को आपने सभी को भेजिएगा, अगर सबको नहीं भेजना है तो मुझे जरूर भेजिएगा। अच्छा चलिए, वैसे हो सके सबको भेजिए, सभी हमारे भाई हैं। मुझे कोई सर आपत्ति नहीं, मैंने तो ये पहले भी बता दिया था सभी को। अच्छा जी, अच्छा ठीक है ना। तो नहीं कल हम लोग अगर हम इस योग्य नहीं है तो मत भेजना। नहीं, सभी नहीं योग्य सर, हैं। मैं सर ग्रुप में ही भेजूंगा, सभी योग्य हैं। कैसी बातें कर रहे हो? चलिए मैंने ठीक तो है अनिल ना, जी आपको तो फिर बताया था पहले भी। थोड़ा सा हम फोकस करें इसमें। मैं तो हमने क्या सबकी माना बात था, करूं, मैं अपनी बात करता ही नहीं अभी। जो कुष्ठ है, कुष्ठ को हमने क्या माना था, जो कुष्ठ है वो एक प्रकार का चर्म विकार है। अब आज हम जानेंगे कि कुष्ठ की कैटेगरी में, कुष्ठ के उस रेशो में कौन कौन से व्याधि आते हैं, और हम इसको आयुर्वेदिक दवाई फिलहाल नाम शायद, क्योंकि नाम बहुत है, लाखों की संख्या में जड़ी बूटियां हैं, हम लोग बीच के रास्ता पकड़ते हैं, है ना। जैसे हम लोग जिस चीज को पढ़ते हुए आए थे, पहले द्रव्य ज्ञान विज्ञान पढ़ने से पहले, द्रव्य ज्ञान की बातें पढ़ने से पहले हम लोगों ने जिस प्रकार से, कहाँ प्लीज आपने अपने ऑडियो को, आप सत्यन जी आप बंद करिए जरा, सभी लोग अपने ऑडियो को बंद करिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या चरक संहिता पढ़ते हुए आए थे, द्रव्यों की क्वालिटी, उसमें मधुर आदि जो गुण है, लवण रस में कौन कौन से गुण है, उसको एक बार दोबारा आज हम देखेंगे, और उसके बाद चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस कंडीशन में उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों ने अथाह आरगवदी अध्याय, ये जो आरगवद है, ये हमने शरीर के बाहर होने वाले जितने भी जो कुष्ठ की प्रजातियां हैं उन सभी में, अभी यहाँ हमने इंटरनल खाने की बात नहीं किया है, आरगवद में ये क्या है, शरीर के बाहर स्किन में होने वाली विविध प्रकार के जो समस्या है वहां लगाने के लिए कुछ कंपोजिशन, यहाँ तो बहुत सारे लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, और आप लोग भी अगर करें तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो जरा आप लोग लिखिए गुरुजी, अब। हाँ जी, ये कौन से अध्याय में करा रहे हो? क्योंकि 2 बार से मैं क्लास में आया हूं, नहीं हूं ना। हाँ, ये आरगवदी अध्याय सूत्र स्थान तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय। अच्छा, हाँ जी आरगवदी, जी हाँ। तो अब यहाँ क्या है, मैंने आपको फिर से सर बताया। हाँ जी, वीडियो कैसे? कुछ नहीं है उसमें सर, आया है जो वीडियो हाँ? जो भेजे हैं उसमें कुछ नहीं है जो। एक सेकंड, क्या कह रहे, वीडियो जो भेजे जो है, अच्छा अभी मैं जस्ट रिकॉर्ड में डाल रहा हूँ। तो ये जो कुष्ठ है ये सबसे बड़ा व्याधि है, ये महागध है, इसीलिए कुष्ठ के बारे में बाद में हम जो चर्चा करेंगे, अभी से हम आपको बताते चले कि कुष्ठ एक बड़ा रोग है, और उसके लिए बाह्य प्रयोग कुछ जड़ी बूटी है ऐसे जिसके आप प्रयोग करके, आप कुछ चीज बना करके पहले से आप इस्तेमाल करना सीख लो, या आप पहले से जान लो कि कुष्ठ किस तरह से बनता है। तो जैसे कि ये त्वचा विकार जितने भी प्रकार के हैं वो सभी कुष्ठ के कैटेगरी में आते हैं। तो कल हम लोगों ने इसके सिम्टम्स के बारे में भी थोड़ा सा हमने जाना, इसके हेतुओं के बारे में कल हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरह के हेतु है। ठंडा पानी पीने के बाद तुरंत एकदम गर्म पानी पीता है, या एकदम गर्म पानी पीने के तुरंत बाद अगर ठंडा पानी पीता है तो यह भी कुष्ठ यानी सभी प्रकार के चर्म विकार जो स्किन डिजीज है उसको होने के लिए वो निमंत्रण देता है। अब यहाँ पर तो भैया बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, उन सबको पढ़ेंगे तो आप लोगों को नींद आ जाएगा। वहां से मैंने कुछ अच्छी चीजें निकाल करके रखा हुआ है, आप लोग जड़ी बूटी के नाम लिखिए। पहले नाम है गुरुजी, देवदार। हाँ जी, गुरुजी 1 मिनट में आप थोड़ा हेतु को दोबारा रिवाइज करा देंगे तो जरा सही रहेगा। अच्छा जरूर, अगर होता है तो फिर गड़बड़ है। तो ऊपर जो हमने जो बताए थे जड़ी बूटियां, उसको लेने के बाद व्यायाम और शारीरिक संबंध नहीं बनना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और सातवें नंबर में बताया जाता है भय यानी डर, श्रम यानी थकना, किसी चीज से थक जाना, और सूर्य के सामने मतलब रास्ते में आज बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, शरीर पसीना पसीना हो गया,
ऐसा व्यक्ति एकदम तुरंत ठंडा पानी से नहाता है या एकदम चिल्ड वाटर अगर वो पीता है या आइसक्रीम लेता है या ऐसा कुछ खाता पीता है तो भी उसको कुष्ठ रोग हो सकता है। या यहाँ पर भी हम उसको जाकर के जोड़ेंगे, ऐसा कुछ खा लिया और तुरंत जाके एक्सरसाइज कर रहा है या शारीरिक संबंध बना रहा है। विदग्ध आहार, जो आहार शरीर में पेट में जाकर के स्टमक बर्निंग वगैरह करता है, ऐसा कोई जैसे बहुत मिर्च मसालेदार चीजें खाया और उसके बाद उसको खाने के बाद बमन करके आपने उसको बाहर निकाला, मतलब कभी कभी क्या होता है ना आयुर्वेदिक चिकित्सक, सर बहुत ज्यादा पेट में जलन हो रहा है, क्या खाया था? हाँ जी मैं तो अभी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा गर्म मसालेदार चीजें खाया था, तो डॉक्टर बोलता है चलो बमन करा करके बाहर निकाल देते हैं इसका। अब बाहर निकालने के बाद तुरंत अगर वो कोई विदाही अन्न का सेवन करता है, पहले विदाही अन्न का सेवन किया फिर उसको डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया, लेकिन डॉक्टर ने उसको रीजन बताया नहीं है, नहीं तो वो नहीं खाएगा विदाही अन्न। डॉक्टर का अच्छा ऐसा है चलो बमन करा देते, बमन किया अथवा विदाही अन्न खाने के बाद ऑटोमेटिकली शरीर से बमन हो गया, उल्टी हो गया, जैसे आपने कुछ चीज खाया और एकदम वोमिटिंग हो गई, लेकिन जो वोमिटिंग हुआ उससे पहले आपने विदाही अन्न खाए थे। विदाही यानी जितने भी प्रकार के नमकीन हो गया, मसालेदार चीजें हो गई, सारे विदाही। बमन होने के बाद दोबारा अगर आप ऐसे विदाही अन्न खाते हो जो जलन करता है पेट में, मिर्च मसालेदार चीजें, तो यह आपके कुष्ठ रोग होने का एक हेतु है। यह हेतु का बड़ा मायने रहता है, हेतु अगर आपको समझ में आता है तो रोग को पकड़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर कोई आदमी उल्टी आने वाला है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, अगर रोकता है तो फिर दिक्कत है, या उल्टी आ रहा है और उसको रोकने के लिए वो पानी का सेवन करता है, उल्टी आने वाला है, वोमिटिंग टेंडेंसी हो रही है लेकिन फिर भी वो पानी पी रहा है उसको रोकने के लिए, आप तो गया त्वचा विकार अंदर एकदम जो है कि केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, फिर वही तो वो तो फिर तो अजीर्ण में भोजन करना, भूख लगी नहीं है भोजन करना, अति भोजन के बाद व्यायाम करना, अति भोजन के बाद गर्मी में निकल जाना व्यायाम करने, वो भी एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत ज्यादा भोजन पेट भर के खाया, डकारा आ रहा है और एकदम वो जो है पैदल यात्रा करने के लिए वैष्णो देवी निकल पड़ा अथवा कहीं पर भी निकल पड़ा, गर्मी जो गर्मी क्षेत्र है वहां पर निकल पड़ा, तो भी ये सारी चीजें होगा। पंचकर्म अगर हम करते हैं और प्रॉपर तरीके से पंचकर्म नहीं होता तो भी त्वचा विकार हो सकता है। दिवा श्वाप, दिन में अधिक सोना भी त्वचा विकार हो सकता है यानी कुष्ठ रोग हो सकता है, क्योंकि कुष्ठ रोग में बवासीर भी आता है, जो बवासीर है वो भी कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है, तो बवासीर के संदर्भ में दिवा श्वाप दिन में सोना बताया ही है। स्नेह पान, कोई भी इस तरह के चिकना चीजें, कोई घी तेल आदि लेने के बाद, लेने तथा बमन के बाद व्यायाम करना है ना, बमन विरेचन इस प्रकार के करने के उपरांत आपको कभी भी जो स्नेह पान हम करते हैं है ना, रोगी को हमें बोलना होगा, जो आदमी पंचकर्म कराने के लिए स्नेहन स्वेदन आदि जो करता है उसको बमन, उसको जो है कि व्यायाम कर्म बिल्कुल निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको ये बात स्पष्ट रूप से बताना होगा कि भाई हम पंचकर्म कर रहे हैं, आपको अब व्यायाम नहीं करना, अगर करेगा तो कुष्ठ हो सकता है। अब इस कुष्ठ के विषय में दूसरे ग्रंथकार विद्वान ब्राह्मण और गुरु का अनादर करना भी ये कुष्ठ रोग का एक हेतु है। साधुओं की निंदा करना और उनका वध करना भी, इससे मन में अशांति उत्पन्न होगा और वहां से एक प्रकार का संप्राप्ति पैदा होगा और यह कुष्ठ रोग को उत्पन्न करने वाला होगा, और इस जन्म या अगले जन्म के पाप कर्म के फलस्वरूप भी कुष्ठ होता है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी कुष्ठ रोग के बारे में बताया गया है, वहां बताया गया है कि जो कुष्ठ रोग है वो असाध्य है क्योंकि ये पूर्व जन्म में किए पाप का संस्कार हो संस्कार की वजह से हो सकता है, तो इसको पता करो कि कौन से ग्रह कैसे क्या कुछ है। अभी सैफी जी बोल रहे थे कि इस तरह का व्याधि को ठीक किया जा सकता है, तो इस तरह के
मानसिक संताप से होने वाला जो कुष्ठ है, जो पूर्व जन्मों के दोषों की वजह से हुआ है, तो पूजा पाठ इंद्रजाल जैसे करने वाले कुछ लोग ही तो उनके पास जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह के व्यवहार से, पूर्वोक्त निदानों के सेवन से तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। ध्यान देना, जो ये कुष्ठ रोग है ना, ये कफ पित्त और वात, ये तीनों ही दोष इसमें प्रकोपित होते हैं। विशेष करके इसमें स्किन, त्वचा, लसिका, रक्त और मांस, ये जो धातु, ये शिथिल हो जाते हैं इसमें। बस ये शिथिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वो है तो तीन दोषों ही विकृति हुआ है, लेकिन प्राधान्य रूप से कौन सा दोष बड़ा हुआ है उसे हम डायग्नोस करेंगे और उसके बाद उसको ठीक करेंगे। जब चिकित्सा देना होता है तो हमारे सामने कफ पित्त है, वात है, कफ पित्त है, कफ वात है, वात पित्त है, इस तरह के एक दोषज, द्वि दोषज अथवा त्रि दोषज, लसिका जन्य व्याधि है या त्वचा जन्य व्याधि है या मांस जनित व्याधि है, रक्त जनित व्याधि है, कहाँ का व्याधि है, ये नाड़ी से आपको पता चल जाएगा, शरीर के लक्षणों से ही पता चल जाता है। तो इस प्रकार से सिम्टम्स को देख करके हमने चिकित्सा देना है, ठीक है। इसके जो संपूर्ण जो चिकित्सा विधि है, डायग्नोस करने की सारा जो प्रोसेस है, वो चरक संहिता आगे व्याख्यान आएगा। अभी हम कुछ फार्मूला लिखेंगे जो कि बहुत अच्छा, और मैं बार बार इसका मैं प्रयोग करता हूँ। आप लोगों ने लिखना है देवदार, ये चाहे कफ से हो, चाहे पित्त से हो, चाहे वात से हो, चाहे लसिका बिगड़ा हो, चाहे रक्त बिगड़ा हो, चाहे मांस हो, चाहे रक्त कोई भी हो, सभी में बेहद काम करता है। देवदार का छाल लेना है, खदीर का छाल लेना है, नीम का छाल लेना है, एक से राम राम से। हाँ ठीक है, देवदार। रचयिता जी तो नमस्कार ही करके बैठे हुए आपको, तो रचयिता जी आप भी लिखो ना, देवदार लिखिए, देवदार। स्किन डिजीज के कितने सर, ये मैं बाद में नोट करूंगी वो रिकॉर्डिंग सुन के। ओके, देवदार हो गया है ना। गुरुजी खदीर क्या है? खदीर होता है, खैर बोलते हैं ना, खैर जिसको हम पान में डालते हैं ना, कत्था। हाँ जी हाँ जी, वो खदीर होता है, खैर की लकड़ी नहीं बोलते, खैर की लकड़ी, सत्यदेव जी को पता है। और आ गया नीम का छाल, नीम का छाल। उसके बाद आ गया सहजन, लेकिन ये सहजन जो है अगर लाल हो तब बहुत अच्छा काम करेगा। और एक आता है कूड़ा छाल, कूड़ा छाल, कूड़ा छाल, इंद्रजौ जिसके बीज होते हैं, इंद्रजौ, सहजन की छाल ना, सहजन, सहजन के छाल, लेकिन लाल फूल हो उसके, छाल, उसके फूल लाल होते, दूसरे वाले नहीं, लाल फूल वाले सहजन कहीं कहीं लगे हुए होते। एक तो होता है पीला फूल होता है, लेकिन हमने लाल फूल वाला बहुत कम दिखता है गुरुजी, तो कभी देखा ही नहीं आज तक हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पार्क सर। सहजन ड्रमस्टिक होती है क्या? हाँ, इतने लंबे लंबे होते हैं। कूड़ा छाल, ये कूड़ा छाल, कूड़ा कूड़ा इसको इंद्रजौ, इंद्रजौ बोलते हैं, कुट वो बोलते हैं, कुटज बोलते हैं ना, कुटज, कुटज बोलते, वृक्ष का नाम है कुटज, छाल का नाम है इंद्र, बीज का इंद्रजौ, इंद्रजौ की छाल लेना है। हाँ हाँ, इंद्रजौ की छाल लेना, इंद्रजौ की, एक सेकंड जी, सहजन की जो फली है उसके छाल लेना है भैया, छाल लेना है। कड़ी रहती क्या फली, कली कड़ू रहती क्या भैया? हाँ फली रहता है, आप लोग उसको गूगल में सर्च कर लो ना, आ ही जाएगा वहां पर। एक तो हमारा हो गया देवदार, देवदार की छाल हो गया, नीम की छाल हो गया, खैर की छाल हो गया, है ना जी, सहजन हो गया, और कूड़ा छाल मतलब इंद्र जो लाल, लाल सहजन, लाल सहजन, हाँ जी हाँ जी, लाल लाल से। अब आ गया बच, बच मीठा, बच, अब आ गया गेरू, अब आ गया अर्जुन का छाल। ये सभी उसी उसी अध्याय में लिखा हुआ है, जहां पर से वहीं से निकाला हुआ हूं मैं,
और वहां पर तो बहुत सारे चीजें हैं, है ना, इसीलिए वहां से मैंने कुछ सार रूप में जो बेहतर काम करता है वो मैंने यहाँ से निकाल के आपको दिया है। अर्जुन का छाल हो गया, अब एक आ गया आपका राल। राल जी क्या होता है? राल क्या चीज होता है जी? राल जब सौदा सौदा करते हैं तो उसमें डालते हैं। हाँ, राल की लकड़ी। अब हम क्या करेंगे, इन सभी जड़ी बूटियों को बरोबर लेंगे और लेकर के कपड़ छन पाउडर बनाएंगे। अगर आपको इसका अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसको ढूंढ कर, क्योंकि देखो चर्म रोग का चिकित्सा आई है यानी चर्म रोग मतलब कुष्ठ रोग का। कुष्ठ रोग क्या क्या है अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, कौन कौन से उसमें नाम आ सकते हैं, ये उन सभी में काम करेगा। मतलब देखो कुष्ठ रोग एक व्याप्ति, एक व्याधि का व्याप्ति नाम है, वो एक विस्तृत नाम है व्याधि का। जैसे हम हिंदुस्तान में, कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान में, लेकिन अमेरिका में रहने वाले लोगों को बताते वक्त हम बताएंगे ना हिंदुस्तान में। अगर वो जानता होगा तो फिर पूछेगा भाई हिंदुस्तान के कहाँ, फिर मैं कहूँगा पंजाब में, अरे पंजाब क्या बात है, पंजाब के कहाँ, फिर मैं कहूँगा जलंधर। तो कुष्ठ मीन्स भारत, हिंदुस्तान, उसके अंदर बहुत सारे व्याधि है, लेकिन उन सभी का संप्राप्ति। कुष्ठ कहने का मतलब क्या है, चरक को क्यों जरूरत पड़ा, वो बोल देते भाई आप बवासीर बोल दो यार, भगंदर बोल दो, पामा बोल दो, ददरू बोल दो, स्वित्र बोल दो, क्या जरूरत था कुष्ठ बोलने का। तो उनका मानना है कि ये जितने भी जो व्याधि है कुष्ठ के अंतर्गत आने वाले, उन सभी का संप्राप्ति समथिंग एक ही तरह से बनेगा। सभी में लसिका बिगड़ेंगे, सभी में रक्त बिगड़ेगा, सभी में मांस बिगड़ेगा, सभी में ये सारी चीजें बिगड़ेंगे। इसीलिए एक सेंटर में नाम दे दिया और उसके बाद वो जो लसिका है उसमें कहाँ कफ की प्राधान्य हो रहा है, लसिका के साथ जाकर के कौन से दोष विकृत है, उसके हिसाब से फिर दूसरे जो अंदर के व्याधि के नाम दिया हुआ है। तो पहले कुष्ठ समझने के लिए हमें जाना है, जब कुष्ठ समझ में आएगा तो हमें इंद्रलुप्त समझ में आ जाएगा, जो रिंग वाम है ददरु बोलते जिसको वो समझ में आएगा, जो फिस्टूला है जिसे हम भगंदर बोलते वो हमें समझ में आ जाएगा। मतलब इसका मतलब चरक बोलते हैं, कुष्ठ को ध्यान से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। तो अभी आपने जितने भी ये जो नौ प्रकार के जो जड़ी बूटियां लिया है उन सभी को कपड़ छान बढ़िया सा पाउडर बनाना है, और बना करके अब यहाँ ग्रंथकार बोलते जो चरक में लिखा हुआ है अगर कर सको की मात्रा क्या रखनी है, मात्रा क्या लेनी है, मात्रा बरोबर बरोबर, और इतना जबरदस्त इसका रिस्पॉन्स है कि पूछो मत। हर प्रकार के कुष्ठ में यानी हर प्रकार के त्वचा रोग में। अब इन सबको ग्रंथकार क्या बोलते हैं, अब उस जमाने में गोरोचन मिलता था। गोरोचन क्या है, जो गाय के गॉल ब्लैडर में एक स्टोन, इंसान के पित्त के थैली में जो स्टोन होता है वैसे ही गाय के भी पेट में होता है। तो वहां अगर जो पथरी हो, गाय में अगर पथरी हो, वो जो पथरी है उसी को गोरोचन बोलते हैं। आजकल तो मार्केट में गोरोचन है ही नहीं, मिलता ही नहीं, क्योंकि आजकल गाय को काटना बैंड है, हालांकि पहले से भी था। पाउडर को गंदा भी तो आता है ना, कैसे तिल बनाना है कि खा खिलाना है, कैसे कैसे खिलाना है, बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूँ इन सारे जड़ी बूटियों को बढ़िया सा कपड़ छन पाउडर बनाइए और बरोबर लेना है सभी को। कितना लेना है आपके पास, जितना गोरोचन है, गोरोचन कितना है, अगर आपको स्पेसिफिक सभी कुष्ठ भी काम करने वाले दवाई चाहिए तो थोड़ा सा गोरोचन का जुगाड़ करिए, ढूंढने पर तो मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है ना मिले। तो गोरोचन को आपने लाना है, उसको पाउडर बनाना है और बना करके ऊपर के पाउडर में उसको मिला दो। उसको सर बिना गोरोचन के नहीं हो सकता? बिना गोरोचन का भी हो सकता है, आप उसमें राल का गोरोचन तो बनाना। गोरोचन तो सर पॉसिबल नहीं है ना। अगर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, कचनार जो होता है ना, कचनार, कचनार गूगल में राल मिला देता हूँ, कचनार गूगल में राल मिला देता हूँ, या कचनार और गूगल खुद बना करके उसमें राल मिला दूंगा, और मिला करके गर्मा गर्म वो जो लिक्विड है मैं ऊपर के पाउडर में डालता हूँ
और डाल करके उसको मसल करके बाद में सुखाता हूँ और फिर पीस करके उसको मैं पाउडर बना देता हूँ। बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको दोनों तरीका बताया, बोरोचन है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो हमने क्या करना है, कचनार लिया, गुग्गल लिया, उन दोनों को पकाया, उसको छान लिया और उसके बाद वहां हमने राल मिलाया, पकाते वक्त ही छान लिया, उसको हमने ऊपर मिला दिया इसमें, क्योंकि हमने गेरू तो पहले मिलाया हुआ है, आप चाहो तो गेरू अभी मिला सकते हो, इसमें मिक्स कर सकते हो, जब ये कढ़ाई से बाहर निकालोगे तो हल्का सा गर्म रहते हुए वहां आप गेरू मिला लो, वो ऊपर मिलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बाकी की जो जड़ी बूटियां हैं उसमें मिक्स करके एक जान कर लो। अब उसके बाद आपने वहां सरसों का तेल मिलाना है उतना, जितने से कि एक पेस्ट जैसा बन जाए बस। गुरु जी कचनार, कचनार गूगल का घन बनाना है ना? हाँ घन बनाना है, कचनार का गूगल के साथ उसको घन बनाना है। पहले कचनार को अच्छी तरह से पकाइए, 1/4 पानी बचेगा, उसको छान लीजिए। अब उसमें आपने गूगल को सिद्ध करना है, गूगल को पकाना है। गूगल जब तैयार होगा तो उसमें एकदम जो गाढ़ा गाढ़ा सा होगा, जो गीला गीला सा होगा, उसमें आप गेरू मिला दो, है ना, राल तो आपने, राल भी वहीं पर आप डाल दो, एकदम परपटी जैसा बन जाएगा ये। उसके बाद उसमें आप सारे पाउडर को, हाँ जी, राल कहाँ से उपलब्ध होती है? अरे राल मिल जाती है हर जगह, पंसारी के मिल जाते, वो मिल जाते पंसारी के यहाँ पर। क्या तो चीज में पड़ता है इसका? क्या चीज में पड़ती है? राल की चीज की राल है। आप दुकान में जाओ यार, दुकान में जाकर के करो, वहां से जाकर देख लो, वो दे देगा आपको, हर जगह मिलता है राल। ठीक है, और ये हो गया सारा, राल एकदम गीला, मतलब कैसे बोलूं आपको मैं, एकदम गूगल जैसा ही होता है, उसी टाइप का होता है, लगाओगे तो एकदम पिघल जाएगा, पिघल जाता है। अच्छा, फिर बाद में आपने क्या किया, उस पाउडर में आपने सरसों का तेल डाला और एकदम पेस्ट क्रीम जैसा बनाया, एक डिब्बे में रख लो। आपके पास ABCDEFGH, अब कोई भी कोष्ठ से संबंधित रोगी आता है उसको ये लगाने के लिए दे देना, किसी के फोड़े फुंसी हो रहा है, किसी के डार्कनेस है, किसी के ब्लैकनेस है, किसी को पिंपल्स है, किसी को कुछ भी है, वो सबको दे दो ये। लिकोडर्मा में काम करेगा सर ये? अरे मैं का लिकोडर्मा भी तो वही है, कुष्ठ ही है जी, वही है। हाँ, हर प्रकार के लिकोडर्मा, हर प्रकार के लिकोडर्मा, मैं आपको लिकोडर्मा के लिए भी अलग से मैं फॉर्मूला दे दूंगा, टेंशन मत लो, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू, मेरे पास सैफी जी के पास भी है, आप देना चाहे तो उनकी मर्जी है। नहीं सर, ल्यूकोडर्मा का नहीं है सर। ओके ठीक है, मेरे पास है, मैं आपको आज या कल बता दूंगा। ये हो गया, इसको आपने आपके क्लिनिक में एक बेहतरीन दवाई हो गया, हर प्रकार के चर्म रोग के लिए, कोई भी रोगी आता है उसके कंडीशन को देख लो, इसको लगाना है बस, बाहर से उसको पेस्ट लगाना है, लगा करके पट्टी लगा भी आप सकते हो, नहीं तो आप वैसे ही उसको छोड़ सकते हो। दूसरा फॉर्मूला लिखिए। एक मिनट गुरुजी, कब कितनी बार लगाना है, कब लगा, थोड़ा समय चला कि कॉल आ गया था मेरा। दिन में कितनी बार लगाना? तीन बार तक, दिन में दो या तीन बार तक लगा लो, वो तो कंडीशन को देख करके, ज्यादा बड़ा भारी कंडीशन है तो ज्यादा लगा दो, कम है तो थोड़ा कम लगा लो, बस वो जैसे हम, जैसे लेडीज लगाती है ना। सबसे खतरनाक जी जी लगाती है, स्क्रबर क्रीम क्या लगाती है पता नहीं। हां वैसे एंजाइम भी तो काम करता है, फोरेसिस में काम करेगा। किसमें सर? ये फोरेसिस, फोरेसिस एंजाइम भी तो काम कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, करेगा ये, क्यों नहीं करेगा, फोरेसिस भी तो कुछ ही है सर। ये सर, ये हर्पीस में भी काम करेगा क्या? मैंने कहा है सभी प्रकार के कुष्ठ में करेगा सर जी, जैसे कि सन टैन हो गया किसी को, उसमें काम करेगा या नहीं करेगा सन टैन? मैंने कहा सभी प्रकार के कुष्ठ में काम करेगा सर। ये कुष्ठ तो, ये कुष्ठ है जो सन टैन हो गया उसको, मतलब त्वचा जल गई, सभी त्वचा रोग बताया तो गुरुजी ने, सभी त्वचा रोग, सभी प्रकार के त्वचा रोग में ये काम करेगा। कुछ भी आपके स्किन में होता है
ये मेडिसिन जो है आपके भ्राजक पित्त में काम करता है। आप देखो जरा जो कुष्ठ है उसमें भ्राजक पित्त का कितना बड़ा काम है, रक्त जो व्याधि है भ्राजक है, और आपका जो है कि लसिका का व्याधि है लसिका में भ्राजक, त्वचा का व्याधि है त्वचा में भ्राजक, और त्वचा का मन के साथ संबंध होता है, तो एंजाइटी वगैरह भी अगर होता हो किसी को तो भी इसको आप लगा लो, लेकिन वो इतना है कि स्किन डिजीज होने के बाद उसको अगर एंजाइटी हो रहा हो, मानसिक व्याधि हो रहा है, एंजाइटी ही क्यों, उसको डिप्रेशन है, तनाव है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, स्किन डिजीज होने के बाद ऐसा है, तो समझ लो कि त्वचा का संबंध सीधा मस्तिष्क का मज्जा धातु में जा रहा है। तो वहां पर भी त्वचा में इस लेप को आप लगा लो, धीरे धीरे उसके मानसिक वो जो व्याधि है वो भी ठीक हो जाएगा। अब हम एक दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, कंडीशन टू कंडीशन। यहां पर लिखिए जरा बच, अब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको कफ से संबंधित कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग है लेकिन उसमें लसिका की विकृति है, मांस की विकृति है, रक्त की थोड़ी कम है, रक्त की थोड़ी कम है लेकिन मांस और लसिका इन दोनों की विकृति, ध्यान देना कफ की विकृति से, कफ वृद्धि और विकृत अवस्था में विकृति अगर हो तो लसिका और मांस या दोनों धातु, ये दोनों जो चीजें हैं ये कमजोर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसके वजह से स्किन डिसीज होगी। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बच लेना है, अब यहाँ दूर्वा लेना है, दूब घास, उसके बाद लेना है आपने मंजिष्ठा, मंजिष्ठा, उसके बाद लेना है आपने बथुआ के बीज, बथुआ के बीज, उसके बाद लेना है अपने बांस के पत्ते, इतना जबरदस्त काम करेगा, आप रोगी बाद में उछलेगा पहले आप उछलोगे। बांस के पत्ते, बथुआ के बीज और हल्दी का पाउडर, इन सभी को आप बरोबर ले लो, लेकर के आप रख लो। ऐसा कोई रोगी जिसमें नाड़ी में आपको कफ दिख रहा है और मांस धातु दिख रहा है और लसिका की वृद्धि हो रही है, शरीर में स्टिफनेस है, कफ का सिम्टम्स पूरा दिखता है और उसके साथ साथ उसके स्किन डिजीज है, कुष्ठ है, और वो चाहता है कि सर ये पानी ज़्यादा बह रहा है यहाँ से, कुष्ठ की विकृति है, इसको ठीक करना है, बवासीर है, कफज बवासीर हो गया, मत से बड़े बड़े हो गए, एकदम बड़े, शरीर में पानी बहता है, शरीर से पानी बहने लगता है इसमें, जहां से पानी बह जाता है, दुर्गंध रहित जो पानी है जो स्किन से निकलता है, दुर्गंध युक्त तो पित्त का है, दुर्गंध रहित है कफ का। तो वहां पर इस पेस्ट को लगा दो, लगा करके सुखा दो। ये जो मैंने अभी बताया बच्चा, दूर्व, मंजिष्ठा, बथुआ के बीज, बांस के पत्ते और हल्दी, इसको आपने वहां प्रयोग करना है। और किसी के भी अगर पिंपल्स है फेस में, रचयिता जी है आपके फेस में लेडीजों के लिए? नहीं सर। नहीं है आपके आसपास में भाई बहन या मम्मी या किसी को भी अगर है फेस पे, नाड़ी देखते वक्त कफ दिख रहा है, फेस में पिंपल्स है, तो ये आप लगा दो, पेस्ट किस, अच्छा काम करेगा, इस सभी को इसको पेस्ट बना लीजिएगा और बना करके इसमें आप पानी डाल दीजिए। सर साथ में कुछ खिला भी सकते हैं क्या कि अंदर से भी ठीक हो जाए? ये अभी हमने जो पढ़ा है ये आभ्यंतर प्रयोग के लिए नहीं है, ये वाह्य प्रयोग, वाह्य आभ्यंतर का मतलब खाने वाली दवाई, वाह्य का मतलब बाहर जो पेस्ट हम लगाएंगे, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना जस्ट लगाने वाली है, खाने वाली दवाई तो बाद में हम तो फिर तो बहुत सारे पढ़े। सर जो सिर्फ लगाने वाली होती है वो भी टोटली डिजीज को खत्म कर सकती है? करता है, क्यों नहीं करता, देखो लगाने का मतलब क्या है, हम लोग नाड़ी पढ़ते हुए क्या पढ़े थे हम लोगों ने, जो भ्राजक पित्त है वो एक अग्नि है और स्किन में जो चीजें उसको वो खींचता है, तो हम क्या है पित्त के सामने तो रख रहे, अग्नि के सामने रख रहे,
मुंह से खाओ स्किन से दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर के नजर में दोनों ही उसका भोजन है। क्या है भाई शरीर भोजन? सर जैसे अभी सैफी जी पूछ रहे, जैसे अभी सैफी जी भी पूछ रहे थे कि ये दवाई हर्पिस में काम करेगी, तो हर्पिस में कहते हैं कि जब तक आपने कहा था हाँ करेगी, तो सर ये तो एक तरह से एड ऑन होगा ना कि हाँ हम ये लगाएं भी, पर दवाई अलग से कोई खानी भी पड़ेगी ना उसकी, सिर्फ लगाने से नहीं हो सकती ना, खाने भी पड़ेगी, खाने भी हाँ जी खाने भी पड़ेगी। मैंने आपको आज की क्लास प्रारंभ होने से पहले बताया था कि ये जो है अभी चरक ने इसके बारे में, इसलिए यहाँ पर कुछ लगाने वाली दवाइयों के बारे में बताया, क्योंकि उनके नजर में जो कुष्ठ है वो बहुत बड़ा व्याधि है, महागध है। तो महागध उन्होंने कहा कि भाई हम कुष्ठ के ऊपर बाद में बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ कुष्ठ के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। आप जी सर, थोड़ा सा एक एक आपके अंदर ना एक चूहा हम डाल देंगे आपके अंदर ना, एक कि भाई कुष्ठ क्या है, कुष्ठ सोचने के लिए आपके अंदर एक संकल्प शक्ति को वो दृढ़ करेंगे, करने का प्रयास कर रहे। अब आप देखोगे यार कुष्ठ क्या क्या है, कुष्ठ में ये हो रहा है वो हो रहा है, इसका मतलब अच्छा ये सारा कुष्ठ है। जब तक हम पढ़ रहे तब तक आपके दिमाग में कुष्ठ कुष्ठ आ ही रहा होगा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो कितना आसान होगा उस चीज को समझने के लिए आपको, क्योंकि उन्होंने कहा भाई महागध है, बहुत बड़ा व्याधि है ये जल्दी से ठीक नहीं होगा। इसीलिए बीच बीच में चरक जी कुष्ठ के बारे में, मधुमेह के बारे में, राजयक्ष्मा के बारे में बीच बीच में वो बताते हुए जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। अब वो थोड़े थोड़े को मैं थोड़ा सा विस्तृत करके भी थोड़ा मैं आपके सामने परोस देता हूँ, ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो जाए ना, थोड़ा क्यों पढ़ेंगे तो बढ़िया पढ़ा जाए। तो मैंने आपको दो फार्मूला दिया, अब तीसरा लिखिए जरा। अगर किसी के फेस में चाहे वो आपकी पिंपल हो, चाहे वो डार्कनेस हो, ब्लैकनेस हो, और किसी को चाया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, फेस में चाया हो जाना, झइया जो होता है लेडीज के, हालांकि वो आर्तव दृष्टि से होने वाली व्याधि है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है ये देखो, ठीक है। तो इसको आप लिखिए जरा, यहाँ आपने गेरू लेना है, यहाँ आपने कचनार लेना है, गेरू और कचनार, यहाँ आपने, ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मैंने पता नहीं कितने सारे लोगों को दिया हुआ है, इसका आप इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा है। किसी को भी दोगे उसको काम करेगा तो 100% करेगा, यकीन करके इसको। ये लड़का लड़की दोनों को सकते हैं, किसी को मेल फीमेल दोनों, किसी को भी फेस में, उसके चेहरे में कुछ भी है, बस चेहरे में कुछ भी है, ए बी सी डी कुछ भी है जो उसके चेहरे में है, उसने गोरा होना है क्या, ये बस इसमें एक कमी है, ये काला नहीं बनाता, बाकी सब कुछ आपको बना देगा। अगर कोई चाहेगा कि भाई मैं काला बनूं, मेरा चेहरा एकदम काला हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके अलावा फेस से रिलेटेड सभी प्रकार के सुख आपको इससे मिलेगा। एक का नाम है गेरू, दूसरे का नाम है कचनार का पाउडर, तीसरे का नाम है सीरिस का छाल, चौथे का नाम है लाल चंदन। इसको लिख लेना, इसको वो मत करिए, क्योंकि मेरे डायरी का मुख्य दवाई है ये। ये तीसरा सूत्र है गुरु जी ना? हाँ, तीसरा ही बता रहे ना, तीसरा बता रहे ना ये, तीसरा तीसरा गेरू कचनार सीरिस का छाल लाल चंदन। ध्यान दे रहे गुरु जी, सफेद चंदन लिखा हुआ है लेकिन हमने लाल लेना है, लाल चंदन, गेरू कचनार लाल चंदन, गेरू कचनार सीरिस का छाल और लाल चंदन, सेमल का कांटा जी, सेमल नाम का जो वृक्ष है, उस वृक्ष के शाखाओं में कांटे होते, उसके कांटा जी, और मूंग का दाल, मूंग का दाल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को कपड़छन पाउडर बनाएंगे। इसको तो आप ना बहुत ज्यादा बना करके रख लो रचयिता जी, आप भी लगा लो इसको, चेहरे में बड़ा अच्छा रोन वो आएगा, ग्लो आएगा। सबसे पहले तो मैं ही लगाऊंगा। हाँ आप बनाइए, नमो जी भी बनाइए, मनोज जी भी, सब लोग बनाइए इसको, इसमें कोई ज्यादा एक्सपीरियंस।
सर ये जैसे कि करेंगे खुजली होने लग जाती है उसमें भी काम करता है क्या? इसमें पेस्ट बनाएंगे। हाँ ये जो है ना चार पांच चीजें ये इसको आप बनाइए, मूंग के दाल हो गया। अब इन सभी को आप अच्छी तरह से मिक्स करिए, पीसिए, और उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आपने ना दो चीजें देखना है, ये इसका फेस ऑयली है या ड्राई है। अगर ऑयली है तो आपने इसको गुलाब जल में मिक्स करना है, अगर ऑयली है तो गुलाब पहले थोड़ा सा दूध डाल करके इसको पीसना है, तरल करना है। अगर अगर ऑयली है, अगर ऑयली है, ये प्यारी किसका हो रहा है? अच्छा, अगर किसी का फेस ऑयली है, ये पाउडर बना करके एक डिब्बे में रखा। अब हाँ ईशुकांत जी हैंडरेज किया, बताइए। अच्छा, अगर आपके सामने दो तरह के क्वालिटी वाले फेस वाले आएंगे, अगर ऑयली है तो आपने क्या करना है, इसी पाउडर में थोड़ा सा दूध डाल करके अच्छी तरह से खरल किया, या तो आप दूध के भावना भी दे सकते। खरल किया, जब लगाने का टाइम आएगा तो गुलाब जल इसमें मिक्स करिए, पेस्ट बनाइए और फेस में लगा करके सो जाओ। लेकिन ये ऑयली में, अगर किसी का ड्राई है तो इसी पाउडर को आपने मलाई में मिक्स करना है, बढ़िया सा खरल करके पेस्ट करना है और फेस में लगाना है, अगर ड्राई है तो। ऑयली है तो पहले दूध का भावना देना है, या दूध डाल के खरल करिए, अच्छी तरह से सूख जाने के बाद उसको आपने गुलाब जल मिक्स करके, बढ़िया सा फार्मेसी का गुलाब जल लेके आइए, एकदम पेस्ट बनाइए और फेस में लगाइए। रात भी लगाया, सो गए, दूसरे दिन सुबह उठ करके इसको धोना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको दो तरह की चीजें बताया, एक देवदार, खदीर, नीम, लाल, सहजन वाला, ये सबके लिए काम करेगा, पूरे शरीर में ये आपका ये काम करेगा। बच दूब, मंजिष्ठा, बथुआ के बीज, ये लसिका और कफ और मांस धातु से है ना, मांस धातु और लसिका से रिलेटेड जो व्याधि है, जहां पर कोई चीजें मतलब कि पानी जैसा कुछ चीज है उसको सुखाना है, आपने किसी चीज को सुखाना है, किसी चीज को सुखाना है, उसके साइज को कम करना है, लेखन कर्म करना है, शोषण कर्म करना है, तो वो हो गया। और फेस में लगाने के लिए आपको मैंने नीचे बताया, ये तो चेहरे को भी अच्छा रौनक बनाता है, चेहरे को चमकाता है। ये जो मेडिसिन है, जो कुष्ठ रोग है, अभी यहाँ पर श्वित्र, श्वित्र यानी लिकोडर्मा बोलते हैं जिसको, तो श्वित्र में ये काम करेगा, देवदार, खदीर, नीम, लाल, सहजन वाला श्वित्र में काम करेगा। इंद्रलुप्त जिसे हम एलोपेसिया बोलते हैं, अभी सेफी जी ने भी जो बताया था उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा इसको लगाया, सिर के पूरा बाल को उड़ा दिया, इसको लगा करके थोड़ा सा किया, पहले मसाज करो, इसके पेस्ट लगा करके ऐसा भी कर सकते हो, बढ़िया मसाज किया और बाद में उस तेल को लगाए जो सेफी जी ने बताया है, लगा करके छोड़ दो, नहीं तो इसके काढ़ा बनाओ, उस काढ़ा से सिर को धो लो, अच्छी तरह से सिर को धोने के बाद बढ़िया मसाज करो उस तेल लगा करके, ऐसा भी कुछ कर सकते हो। इंद्रलुप्त की बात कर रहा हूं, जिसे हम खालित्य बोलते हैं। ईशुकांत जी बोलिए क्या बोलना है, हैंड रेज कर रहे हो आप। हाँ जी चलो, हाँ तो उसको मत दबाओ ना, इंद्रलुप्त बाल के लिए अपने पहला वाला, इंद्रलुप्त पहला वाला है ना? हाँ इंद्रलुप्त पहला वाला है ना? हाँ इंद्रलुप्त यानी जिसमें से, इंद्रलुप्त का मतलब है सिर के बाल उग जाते हैं, जैसे जिसको हम एलोपेप्सिया भी बोल सकते हैं, जो एलोपेप्सिया है वो इंद्रलुप्त है, कीड़े ने बाल थोड़ा सा एरिया में खा लिया, वहां पर काम करे गुरु जी बाल। हाँ जी, एंजाइम भी तो चर्म रोग में काम करता है, है? एंजाइम बना के भी चर्म रोग में काम करेगा। हाँ हाँ, एंजाइम, एंजाइम क्या होता है? एक विधि होता है, नहीं कोई भी राजीव कपूर जी ने जो बताया,
अच्छा नहीं मजा, मुझे नहीं मालूम। सहजन, सहजन और गुड़ के साथ बनाने के लिए एंजाइम। अच्छा अच्छा वही बोल रहे ना भाई यार, कोई बनाया था मैंने बनाया। अच्छा अब ये हस्ती दंती मसी, अभी सेफी जी ने जो दिखाए थे उसका उसका क्लासिकल नेम है हस्ती दंती मसी। इसमें हाथी के दांत लिया जाता है, मिट्टी के घड़े के अंदर डाल के कपड़ोती करके आग में डाल दिया जाता है, अध पक्का वो एक तरह का कोयला जैसा बनता है, राख भी नहीं होता, कच्चा भी नहीं रहता, ऐसा कोयला जैसा जब ये दांत बन जाता है उसको अच्छी तरह से पीस करके रख लो, और मसी जैसा वो बन जाता है उसको आपने जो आपका जो इंद्रलुप्त वाला जो एरिया है वहाँ पर आप लगा लो, यह भी कहते बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा वाला मामला पड़ता है, सेफी जी ने जो फॉर्मूला बताया वो बेहतर अच्छा काम करेगा। दूसरे नंबर में आ गया ददरू रिंगवाम हो गया, उसमें भी अच्छा काम करेगा देवदार खदीर वाला। ये जो है रिंगवाम में तो वच दुर्बा मंजिष्ठा वाला योग भी काम करेगा, भगंदर फिस्टूला में भी काम करेगा ये, इसका पेस्ट बना करके लगा सकते है। मैंने देखा फिस्टूला में ये जो मैंने आपको देवदार खदीर नीम लाल सहजन जो मैंने आपको बताया इसमें आप एप्सम सॉल्ट भी मिला दो, एप्सम सॉल्ट मिला लो और उसके बाद आपने क्या करना है उसमें आप थोड़ा सा त्रिफला भी डाल दो, आप त्रिफला डाल दो, एप्सम सॉल्ट डाल दो, उसके बाद पानी को एकदम गर्म कर लो, गर्म करके बढ़िया मतलब उबाल लो इसको, अच्छी तरह से उबल जाने के बाद फिर आप क्या करोगे बाहर निकाल लिए और वहाँ एप्सम सॉल्ट डालिए, और उसके बाद त्रिफला तो आपने पहले उसमें मिक्स कर लिया, पानी एकदम गर्म है एक कप में रख लिया, उसके बाद आपने एक टॉप लेना है और टॉप में उस पानी को डालना है जिसमें आपने एप्सम सॉल्ट भी डाला हुआ है, अभी वो देख करके डाल लेना है, एप्सम सॉल्ट एक चम्मच दो चम्मच कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद रोगी को बोलना है कि उस पानी में बैठे, अब पानी उतना गर्म हो कि वो सह सके जिसको भगंदर है, उसके बाद कम से कम भी काफी देर तक बैठ, सुबह सुबह लेटरिंग करने से पहले बैठे, एक तो उससे उसका अपान वायु भी अच्छा काम करेगा, मल द्वार भी अच्छी तरह से साफ होगा, ठीक है उसके ऐसा वो रोज करे ये देवदार खदीर वाला सारा योग, उसके काढ़ा बना करके उसमें त्रिफला भी डाले। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी इस तरह के मेडिसिन आप लगा सकते हो जो कि जब बवासीर के उस प्रकरण में जो कुछ भी वहां पर पेस्ट बना करके लगाने के लिए जो बातें वहां लिखा हुआ है, मेरे पास इसका भी एक अच्छा योग है मस्से में लगाने वाला, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा बाद में, और वो योग इसमें इससे अच्छी तरह से धोने के बाद मस्से में अगर वो पेस्ट लगाते हो। सतन जी आप बंद करिए ना उसको। बगंदर हो गया, अर्श जो बवासीर है पाइल्स में भी हमने उसी तरह से काम करना है, वहां पर भी त्रिफला है और ये सारी चीजें एप्सम सॉल्ट हो गया, और एक नीला नीला सा एक वो पानी में थोड़ा डालो तो नीला नीला सा रंग आता है उसका, ब्लू कलर का कुछ आता है वो, मुझे अभी मेरे याद नहीं है, मेरे शायद मेरे पास पड़ा हुआ है। नीला तोता, नीला तोता, नहीं 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 तोता नहीं है, तोता नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, हाँ पोटेशियम परमैंगनेट, हाँ बहुत अच्छा, ये भी आप उसमें डाल दो थोड़ा सा इस काढ़ा में, पोटेशियम परमैंगनेट बहुत अच्छा काम करता है। प्रदीप जी आपने इस्तेमाल किए हो कभी? हाँ यस सर। हाँ वो जो है ना आपने क्या करना है जितने भी स्किन डिजीज है ना वहां पर ये पोटेशियम परमैंगनेट बहुत अच्छा काम करता है, मैंने एक बार इसमें बना करके मैंने लगाया था और इस काढ़ा में मैंने, लेकिन उसमें मैंने राल नहीं मिलाया था, राल को मैंने हटाया था, राल मैंने वहां नहीं डाला था क्योंकि थोड़ा सा गीला गीला अलग सा ही बन जाता है उसको लगाने से, तो राल को नहीं डाला, त्रिफला डाल दिया और उसके बाद एप्सम सॉल्ट और पोटेशियम परमैंगनेट इसको डाल करके फिर मैंने उसको काढ़ा में रोगी को बैठाया था, बहुत अच्छा। अगर किसी को वहाँ पर कुछ ऐसे हो रहा है, घाव पक रहा है, सूख नहीं रहा है, वहाँ से मवाद निकल रहा है ना,
तो ऐसे में ये बहुत बेहतर काम करता है। गुरु जी माजू फल अच्छा काम करता है, माजू फल बगंदर में वो भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पर माजू फल डालने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं नहीं गुरु जी बहुत बहुत परफेक्ट है, अजमाया हुआ मेरा इसने बता। अच्छा हाँ बहुत, मतलब माजू फल तीन दिन के अंदर में मतलब बगंदर में रामबाण काम करता है। उसमें क्या करना है और उसका पेस्ट बना के लगाना है, ऐसे चंदन की तरह घिस करके मत्ते पे लगाना है। तो ठीक है ठीक है, आप कह रहे हो माजू फल ठीक है, वो लगाने वाला, अभी हम लगाने की बात नहीं कर रहे ना, अभी तो हम जस्ट इसको सेकाई करने वाली काम कर रहे हैं, अभी तो जस्ट ये सेकाई के लिए हो रहा है, वो लगाने के लिए तो बाद में हम देखेंगे, फिर बाद में उसके लिए तो बहुत है। आप कह रहे हो ना माजू फल, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरे नंबर में आ गया पामा, पामा यानी एक्जिमा, एक्जिमा में भी अच्छा काम करता है। और आपको पता है एक व्याधि जिसका नाम है अपची, अपची भी कुष्ठ रोग में आता है। ये जितने भी अभी मैंने व्याधि का नाम लिया ये सभी क्या है, ये सभी कुष्ठ रोग है, लेकिन आज तक कभी किसी ने बवासीर को कुष्ठ नहीं माना होगा, भगंदर नहीं सर, कुष्ठ भगंदर को किसी ने कुष्ठ नहीं बोला होगा। पामा विचर्चिका, इनको कभी किसी ने एक्जिमा हो या ऐसे किसी कंडीशन में, या जो लिकोडर्मा है स्वित्र बोलते हैं उसको किसी ने, चलो उसको तो कुष्ठ रोग ही बोलते हैं लोग ज्यादातर, है ना, कुष्ठ रोग बोलते हैं, लेकिन बवासीर को भगंदर को अपची को कोई कुष्ठ नहीं मानता। तो यही बात है, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें एक एक नजरिया मिलता है यहाँ से। अब हम आज के बाद जब भी कभी हम बवासीर के बारे में सोचेंगे तो पहले हम कुष्ठ में अपना दिमाग ले जाएंगे, क्योंकि ये कुष्ठ के कैटेगरी का है, तो वहां से फिर हमें चिकित्सा करने में, कुष्ठ का जो चिकित्सा है वही उसका चिकित्सा, थोड़ा सा अलग से उससे थोड़ा सा हटके कुछ हो सकता है। हाँ जी रचेता जी बताइए। सर भगंदर क्या वही होता है फिस्टुला? भगंदर का मतलब हाँ फिस्टुला। सर एक चीज पूछनी है मुझे इसके रिगार्डिंग कि क्या सर फिस्टुला ज्यादातर जेंट्स में ही रहता है, आदमियों में होता है क्या सर ज्यादातर? नहीं फिस्टुला की प्रॉब्लम दोनों में होता है सर। पाइल्स वगैरह तो मेरे को पता है कि लेडीज जेंट्स दोनों में रहती है, पर फिस्टुला मैंने आज तक जितने भी केस सुने हैं ज्यादातर जेंट्स के ही सुने हैं, तो मैंने कहा एक बार आपसे पूछ लूं कि ऐसा कुछ है क्या? नहीं दोनों पे होता है, दोनों में ही होता है। लसिका है, मांस है, रक्त है, ये तो सभी के शरीर में है। सर वो तो सर्जिकल केस है ना गुरु जी, लेकिन सर्जिकल केस है क्योंकि उधर ट्रैक रहता है, हाँ जो ट्रैक वो साफ करना पड़ता है, नहीं तो वो वापिस हो जाता है ना सर। हाँ कि सर आयुर्वेद में दवाई नहीं है कि ठीक हो जाए? एक सेकंड हाँ डॉक्टर साहब, मैं अब यहीं से आपको जोड़ता हूँ, अपची में लेके जाता हूँ। फिस्टुला, फिसर और फिस्टुला जैसा कोई चीजें, मतलब वो फिस्टुला हो गया है। फिस्टुला क्या है? अरसा एक तरह का मांस का लोथड़ा है, वो जब उसमें चीरा पड़ जाता है तो वो फिसर हो जाता है, और जब वो चीरा फूट जाता है तो वो फिस्टुला हो जाता है। फूटने के बाद फिर दोबारा नया उत्पन्न होता है और फिर फूटता है, फूट गया फिर नया उत्पन्न हो गया फिर फूटता है, तो ये अपची है। वो फूटता है तो, हाँ, जो बार बार निकल के फूट रहा है, फिर निकल रहा है, फिर फूट रहा है, फिर निकल रहा है, फिर फूट रहा है, इसे तो सर्जिकली क्लियर करना पड़ता, सर्जिकली क्लियर करना पड़ता है उसको। हाँ सर्जिकली, आयुर्वेद में भी उसको क्षार सूत्र के लिए बताया गया है, क्रिटिकल केस है, इसको क्षार सूत्र के माध्यम से ठीक करना है। बवासीर में भी अगर मस्से आ गया तो मस्से के लिए या तो क्षार सूत्र करो या तो ऑपरेशन करो। अरे मैं तो कहता हूँ क्षार सूत्र करके किसी को क्यों तंग करना, 20-25 दिन तक बेचारा तंग रहता है, ना तो चल सकता है, ना तो उठ सकता है, ना सो सकता है। बढ़िया है किसी आयुर्वेदिक, किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास भेज दो, आयुर्वेद का वहां पर काम क्या हो सकता है कि ऐसे रोगी अगर आपके पास आता है, पहले 10-15 दिन तक दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन आप जो पूर्व जो कर्म है वो कर दो,
ऑपरेशन के लिए भेज दो उसको, कहो कि भाई ऑपरेशन करके आ जाए है पश्चात कर्म करने के लिए। उस पेशेंट को दोबारा कभी भी बवासीर नहीं होगा, फिसर फिस्टुला कभी भी नहीं होगा, लेकिन वो ऑपरेशन करके आयुर्वेदिक प्रोसेस से चिकित्सा भिन्न किए ही अगर वो ऑपरेशन करता है तो दोबारा भी ये व्याधि हो सकता है। सर मैंने क्या है, जो जो फिस्टुला के पेशेंट है वो आयुर्वेद हॉस्पिटल में देखा हूँ, पोद्दार में देखा हूँ, क्योंकि पोद्दार इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आयुर्वेद का, उधर भी वो फिस्टुला के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट वापरते हैं वो लोग, एलोपैथिक सर्जरी करते हैं उसका, सर्जिकल से ही वो ठीक हो सकता है, सर्जिकल से ठीक हो सकता है। अब आ गया अंतिम में एक व्याधि जो मेदगत दृष्टि की वजह से होता है, जिसका नाम है अपची। अपची को ज्यादातर हम गंडमाला के अंतिम अवस्था में बताते, गंडमाला का जो है जो मांस के जो लुथड़ा है जो मेद का जो है वो क्या है, जब पक जाता है वहां से मवाद जब निकलता है तो उसे हम अपची बोलते हैं। लेकिन शरीर के किसी भी जगह में दाने हो रहा है, दाने फूट रहा है, मवाद निकल रहा है, निकल करके वो फिर दोबारा मवाद बन करके फिर परेशान करता है, फिर मवाद फूटता है, फिर तो ये जो बार बार बनना, बार बार होना, बार बार ये जब ऐसा होता है तो ये अपची हो जाता है। तो ये अपची भी कुष्ठ रोग है, यहां पर भी ऊपर जो हमने दवाई दिया है यही है। अभी जस्ट ये कुष्ठ रोग का उपचार नहीं बता रहे अभी हम जस्ट आपको, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये महागद है, इसको पहले हमने समझना है, बहुत ही बड़ा व्याधि है ये। हाँ जी राजीव जी बताइए। चलिए, तो चाहे वो अपची हो, चाहे वो लिकोडर्मा हो, चाहे वो आपका एलोपेसिया हो, कोई भी इस तरह की व्याधि, ये सारे कुष्ठ रोग हैं, इसके अलग अलग संप्राप्ति है, सभी का अपना अपना पूर्व रूप है, सभी का अपना अपना सिम्टम्स है, इसीलिए उन सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने चरक ने यहाँ पर सूत्र स्थान में ही कुष्ठ के बारे में ये थोड़ा सा उन्होंने बताने का प्रयास किया कि भाई ये बहुत भयानक एक व्याधि है, इसको हम थोड़ा सा इसको सीख करके जान करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर कुष्ठ के लिए इस व्याधि के रूप में तीसरा अध्याय समाप्त करके चतुर्थ अध्याय जिसको षड विवेचन सतस्तृति अध्याय, परसों हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो षड विवेचन सतस्तृति अध्याय अगर आपके पास चरक संहिता है तो यह जो चतुर्थ अध्याय है इससे पहले कहीं पर तो आभ्यंतर यानी खाने वाली दवाई के बारे में बात किया, कहीं पर अभी थोड़ी देर पहले हमने कुष्ठ रोग के संदर्भ में लगाने के लिए बात किया, अब यहाँ पर ये षड विवेचन सतस्तृति अध्याय में खाने और लगाने दोनों तरह की दवाइयों के बारे में बात होगी हर तरह के व्याधि के लिए। तो इसके ऊपर हम लोग परसों विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज हमारा क्लास यहीं तक था, हमारे पास समय भी काफी ज्यादा हो गया है ना।